गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर डूइंग लेसन 10 इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग, राइट? जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट क्या होता है, और हमने रीड किए हैं पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज, ओके, और हमने स्टार्ट किया था ईमेल। सो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम कैसे ईमेल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ईमेल अकाउंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। रीड अबाउट इनबॉक्स, ओके। सो ईमेल में इनबॉक्स क्या होता है चिल्ड्रन? इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रिसीव्ड मेल्स। देखिए, जो भी आपके पास मेल्स आती हैं, जो भी आप मेल्स रिसीव्ड करते हो, ये उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। जैसे कि ये क्या है चिल्ड्रन, दिस इज़ अ इनबॉक्स, ओके, दिस इज़ अ इनबॉक्स। जैसे कि इस फिगर में देखो कि अनुकम भोज, ओके, इन सब के नेम से क्या हुआ है, यहाँ पे ईमेल्स रिसीव्ड हुए हैं। ईच मैसेज हैडर डिस्प्लेज दिस सेंडर नेम। जो ये मैसेज हैडर है, इसमें क्या है, जिसने आपको सेंड किए हैं मेल, उनके नेम है। सब्जेक्ट लाइन है कि जो आपको मेल आया है उसका सब्जेक्ट क्या है। टाइम, आपने किस टाइम उसे रिसीव किया है, किस डेट पे रिसीव किया है, ओके। एंड समटाइम्स द साइज ऑफ द मैसेज टू, और कभी कभी मैसेज का क्या साइज है वो भी मेंशन होता है। टू रीड एनी मेल क्लिक ऑन इट, अगर आपको मेल को रीड करना है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। द मेल विल बी डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो, ओके। सो जो आपने मेल ओपन किया है वो आपको एक न्यू विंडो में शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज कंपोज राइट मेल, अगर आपको किसी मेल को राइट करना हो या कंपोज करना हो, सो आप उसके लिए क्या करेंगे। टू कंपोज अ मेल वन हैज़ टू क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। देखिए, मेल को कंपोज करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन कंपोज ऑप्शन और एनी अदर सिमिलर ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट। देखिए, कंपोज से मिलता जुलता भी कोई वर्ड हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं चिल्ड्रन। इट विल ओपन अ न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सो जैसे आप कंपोज करते हैं तो साथ में क्या है, कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो इन ऑप्शंस का यूज़ क्या है, अब हम वो रीड करेंगे। सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज टू। इसमें क्या होता है, इस टेक्स्ट फील्ड में आप क्या करते हैं, हियर वी कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम वी वॉन्ट टू सेंड द ईमेल। देखिए, इसमें हम क्या डालते हैं, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस डालते हैं जिसे हम क्या करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं, ओके। सीसी, हियर द सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ओके। इन दिस फील्ड वन कैन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम वन वॉन्ट्स टू सेंड द कॉपी ऑफ द मेल। इसमें हम क्या करते हैं, एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं एक पर्सन का, जिसके पास, मतलब कि क्या है, उसमें वो लिस्ट आती है जो मेल आपके पास आया है, ठीक है, उसकी कॉपी किस किस के पास गई है, हमें वो डिस्प्ले होता है इस फील्ड में, ठीक है। हम इसमें वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन कॉपी हम सेंड कर रहे हैं वो और कौन कौन से पर्सन के पास जाएगी, ओके। द ईमेल एड्रेस मेंशन इन दिस फील्ड आर विजिबल टू ऑल द रिसिपेंट्स ऑफ द मेल, ओके। और देखिए चिल्ड्रन, जो भी हम इसमें मेल करते हैं उसमें क्या होता है, जो भी ईमेल एड्रेस हम इस फील्ड में मेंशन करते हैं वो सभी रिसिपेंट्स को शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बीसीसी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल टू सेवरल पीपल। इसमें भी क्या करते हैं हम, जो मेल की कॉपी है वो मल्टीपल पीपल को सेंड कर सकते हैं, बट द ईमेल एड्रेस मेंशन इन दिस फील्ड आर नॉट विजिबल टू अदर रिसिपेंट्स ऑफ द मेल। बट जो इसमें हम ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं वो सभी रिसिपेंट्स को शो नहीं होते हैं। सीसी में क्या होता है कि जो ईमेल एड्रेस है वो सभी को शो होता है। सो इससे जो रिसीवर है उसको पता चलता है कि जो ये ईमेल कॉपी है ये और किस किस को सेंड हुई है, राइट। बट बीसीसी में ऐसा नहीं होता है,
ओके. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेल विच गिव्स एन आइडिया अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज. देखिए चिल्ड्रन, ये क्या है, एक मेल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है. ठीक है, सब्जेक्ट से हमें ये पता चलता है कि जो हमने मेल रिसीव किया है या जो हमने मेल सेंड करना है वो किस से रिलेटेड है. ओके, इससे हमें आइडिया मिलता है कि मैसेज में क्या कंटेंट है. नेक्स्ट इज मैसेज. ओके, यू कैन टाइप द मैसेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लेटर विद ग्रीटिंग्स, वन और मोर पैराग्राफ एंड योर नेम एट द बॉटम. देखिए चिल्ड्रन, जैसे हम नॉर्मल मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही हम जो ईमेल का मैसेज है उससे टाइप कर सकते हैं. ग्रीटिंग्स भी टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं हम, और अपना नेम भी हम मेंशन कर सकते हैं बॉटम में. यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द टेक्स्ट यूजिंग द अवेलेबल फीचर्स. ओके, और आप उसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेंडिंग ईमेल. आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन. देखिए जब आपने ईमेल कंपोज कर लिया है, ठीक है, आपने राइट कर लिया है ईमेल, उसके बाद आप उसे सेंड कैसे करेंगे, आप उसे सेंड करेंगे सेंड बटन से. द मेल विल बी सेंड टू इट्स रिसिपेंट्स एंड रिसिपेंट्स. ठीक है, सो जो मेल है वो सेंड हो जाएगा रिसिपेंट को या रिसिपेंट्स को. ओके, सेंड बटन पे क्लिक करने से. नेक्स्ट अटैचिंग अ फाइल. ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल्स फॉर हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. देखिए ईमेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ फाइल्स को अटैच कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, जो अटैचमेंट्स होती हैं वो बहुत जल्दी सेंड हो जाती हैं across the world. Attaching a file to an email is an easy way to send important documents or files. Okay, so attaching मतलब अगर हम email से attach करते हैं तो ये बहुत easy way है कि जिससे हम हमारे documents और file को send कर सकते हैं, which can be photographs, videos, music or text. और जो ये files हैं ये कोई photograph भी हो सकती है, video भी हो सकती है, music भी हो सकता है और text भी हो सकता है. To attach a file to an email, follow these steps. अगर आपको ईमेल के साथ फाइल अटैच करनी है तो उस आपको उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. क्लिक ऑन अटैच अ फाइल आइकन. ये आइकन किसका है, दिस आइकन इज कॉल्ड अटैच अ फाइल. ओके, ऑन द टूल बार एट द बॉटम ऑफ द कंपोज विंडो. और ये कहाँ होता है, कंपोज विंडो के बॉटम पे होता है. The open dialog box will appear. इसको क्लिक करने से क्या होगा, एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. Browse through your files and select the file you would like to attach. आप अपने सिस्टम में देखेंगे, ब्राउज करेंगे कि जो आपने फाइल सेंड करनी है वो कहाँ पे है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द ओपन बटन. उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. द फाइल गेट्स अटैच टू योर मेल. जो फाइल है वो आपके मेल से अटैच हो जाएगी. नाउ क्लिक ऑन द सेंड बटन. और उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और मैसेजेस लार्जर देन 25 MB एज एन अटैचमेंट. देखिए चिल्ड्रन, ईमेल में क्या है, एक लिमिट है. ठीक है, आप इसमें कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं सेंड कर सकते या फिर वो साइज़ उस 25 MB से अगर ज़्यादा आपका मैसेज है तो वो भी आप अटैचमेंट सेंड नहीं कर सकते हैं. Nowadays the internet provides some emerging technologies that enable us to transfer files beyond 25 MB. Some of the most popular services are WeTransfer and SendSpace. So इन दिनों क्या है चिल्ड्रन कि इंटरनेट हमें और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम 25 MB से ज़्यादा की फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और ये पॉपुलर सर्विसेज का नेम है वी ट्रांसफ़र एंड सेंड स्पेस. वी ट्रांसफ़र क्या होता है, वी ट्रांसफ़र इज़ अ फ्री ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र सर्विस दैट इनेबल्स यू टू सेंड फाइल्स अप टू 2 GB फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. देखिए वी ट्रांसफ़र क्या है, एक फ्री ऑनलाइन
फाइल ट्रांसफ़र सर्विस है जो हमें अलो करती है कि हम उससे 2 GB से ज़्यादा डेटा को सेंड कर सकते हैं। बोथ द सेंडर एंड द रिसिपिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ईमेल एड्रेस टू ट्रांसफ़र द फाइल्स। सो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उसके पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। द रिसिपिएंट्स रिसीव द फाइल थ्रू मेल, ठीक है, और रिसिपिएंट फाइल को कैसे रिसीव करेगा, थ्रू मेल। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ट्रांसफ़र द फाइल, अगर हमें वी ट्रांसफ़र की हेल्प से फाइल को ट्रांसफ़र करना है देन वी हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। दी स्टेप्स आर ओपन द लिंक www.vtransfer.com, हमें ये लिंक ओपन करना होगा www.vtransfer.com। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ऐड योर फाइल्स बटन, ये क्या है, ऐड योर फाइल बटन है, एंड सेलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स, और आपको ओपन डायलॉग बॉक्स में से फाइल को सिलेक्ट करना है। देन ऐड द रिसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस इन द ईमेल टू टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद जिसे आपको ईमेल भेजना है आपको उसका एड्रेस टाइप करना है। देन ऐड योर ईमेल एड्रेस इन द योर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड योर फाइल्स एंड सेलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओके, देन जो इसको आपको भेजना है आपको उसका ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ओके, और आपको योर ईमेल में क्या डालना है, अपना खुद का ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे कि यहाँ पर ईमेल टू मीन्स जिसे आपको भेजना है एंड योर ईमेल। ओके, टाइप अ मैसेज इन द मैसेज टेक्स्ट बॉक्स इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको यहाँ पे मैसेज टाइप करने की नीड है तो आप यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र बटन, देन यू कैन क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र बटन। द रिसिप्ट विल रिसीव अ मेल कंटेनिंग द फाइल विच कैन ईजिली बी डाउनलोडेड। ओके, जो रिसीवर है, जो रिसिपिएंट है, वो क्या है, एक मेल रिसीव करेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, फाइल होगी जो आपने सेंड करी है और वो इजली डाउनलोड भी हो जाएगी। ओके, रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, हम कैसे, देखो अब आपने ये तो सीख लिया कि जो मेल है वो सेंड कैसे करते हैं, राइट। अब आप लर्न करेंगे कि जो मेल ईमेल आपके पास आया है उसको आप रिप्लाई कैसे करेंगे या फिर आप उसे फॉरवर्ड कैसे करेंगे। ओके, द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेड व्हेन वी ओपन एनी मेल, अगर आप कोई भी मेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिप्लाई ऑप्शन। इट इज़ यूज टू रिप्लाई टू अ रिसीव्ड ईमेल, ठीक है। सो ये ऑप्शन किस लिए होता है, जो भी आपने ईमेल रिसीव किया है उसको रिप्लाई करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, टाइप इन द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द सेंड बटन। ओके, आप रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे मींस रिप्लाई देंगे, और फिर से आप किस पे क्लिक करेंगे, सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज टू सेंड एनी रिसीव्ड मेल टू अदर ईमेल एड्रेस। देखिए चिल्ड्रन, फॉरवर्ड ऑप्शन से क्या होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके पास कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो आप उसे किसी दूसरे पर्सन को एज इट इज़ फॉरवर्ड करते हैं ना। ओके, सो इसमें क्या होता है, मेल में भी क्या होता है कि जो आपने ईमेल रिसीव करी है वो आप किसी और को क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी और के एड्रेस पे फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे ES क्यों लगा है, इट मींस कि आप किसी एक ईमेल एड्रेस पे भी उसे फॉरवर्ड कर सकते हो और मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग अ सिग्नेचर टू अ मेल, सो अ सिग्नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेचर क्या होता है, हम रीड करते हैं। अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट सच एज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और अ फेवरेट कार्ड दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड। सिग्नेचर क्या होता है चिल्ड्रन, देखिए सिग्नेचर कोई भी एक पर्सनलाइज टेक्स्ट हो सकता है, ओके, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है या फिर आपका कोई फेवरेट कोड भी हो सकता है, ठीक है। और जब भी आप उसे सेंड करते हैं, कोई भी ईमेल आप सेंड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका जो ईमेल है उसके बॉटम पे वो सिग्नेचर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। ओके, टू क्रिएट अ सिग्नेचर फॉलो दिस स्टेप्स, अगर आपको सिग्नेचर क्रिएट करना है सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। दिस स्टेप्स आर क्लिक ऑन द सेटिंग आइकन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो एंड सेलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन।
सो देखिए चिल्ड्रेन, सो आपको यूज़ करना होगा सेटिंग आइकन का, ओके। और ये कहाँ पर होता है? अपर राइट कॉर्नर पे होता है विंडो के, ओके। और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा सेटिंग ऑप्शन, राइट। द सिग्नेचर सेक्शन एंड एंटर योर सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द सिग्नेचर फील्ड। और आपको क्या करना है, सिग्नेचर सेक्शन को लोकेट करना है और उसमें अपना सिग्नेचर ऐड करना है सिग्नेचर फील्ड में। क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन और उसके बाद आपको सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करना है, ओके। सो आज हम इतना ही करते हैं, जितना भी मैंने आपको रीड कराया है आपको उसे रीड करना है, ओके। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।